अभी भी टाइम है, मान जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट। देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट। अभी भी टाइम है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड इट। देयर इज स्टिल टाइम, रीड इट। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। अभी भी टाइम है, स्कूल चले जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, गो टू स्कूल। देयर इज स्टिल टाइम, गो टू स्कूल। अभी भी टाइम है, वीडियो को लाइक करें। देयर इज स्टिल टाइम, प्लीज़ लाइक द वीडियो। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू डू। दिस इज़ नॉट द वे टू डू। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू से। दिस इज़ नॉट द वे टू से। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर। आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ सिंगिंग। आई फील शाय ऑफ सिंगिंग। मुझे नृत्य करने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ डांसिंग। आई फील शाय ऑफ डांसिंग। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई फील शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू। मुझे कोई शौक नहीं है मीठा खाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम यहीं रुको। ओके देन डू वन थिंग, यू स्टे हियर ओनली। ओके देन डू वन थिंग, यू स्टे हियर ओनली। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी सम मनी। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़कियाँ मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब सोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब पढ़ते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। उसका मूड खराब है। ही इज़ इन अ बैड मूड। ही इज़ इन अ बैड मूड। मेरा गला खराब है। आई हैव अ सोर थ्रॉट। आई हैव अ सोर थ्रॉट। मेरा पेट खराब है। माई स्टमक इज़ अपसेट। माई स्टमक इज़ अपसेट। मेरा फ़ोन खराब है।
My phone is not working. उसकी नज़र कमज़ोर है. He has weak eyesight. उसकी नज़र कमज़ोर है. He has weak eyesight. खाना बनाना मेरी मजबूरी है. It's my compulsion to make food. ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है. It's my compulsion to go to office. मास्क पहनना मेरी मजबूरी है. It's my compulsion to wear mask. तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी. It's my compulsion to marry you. ये काम करना मेरी मजबूरी है. It's my compulsion to do this work. जैसा बाप वैसा बेटा. Like father, like son. जैसी माँ वैसी बेटी. Like mother, like daughter. जैसा भाई वैसी बहन. Like brother, like sister. जैसा गुरु वैसा चेला. Like guru, like disciple. मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है. I prefer tea to coffee. मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है. I prefer Hindi to English language. मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है. I prefer rice to bread. मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है. I prefer winter to summer weather. मुझे दीपिका से ज़्यादा आलिया पसंद है. I prefer Alia to Deepika. बस यही बाकी था सुनने को. Only that was what left to hear. बस यही बाकी था कहने को. Only that was what left to say. बस यही बाकी था देखने को. Only that was what left to see. बस यही बाकी था बोलने को. Only that was what left to speak. बस यही बाकी था सीखने को. Only that was what left to learn. खामखा तुम परेशान हो रही हो. You are getting worried unnecessarily. खामखा तुम वहाँ जा रहे हो. You are going there unnecessarily. खामखा तुमने उसे डांट दिया. You scolded her unnecessarily. खामखा तुमने उसे रुला दिया. You made her cry unnecessarily. खामखा तुमने मुझे डरा दिया. You scared me unnecessarily. तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है. Talking to you has its own feel. बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है. Bathing in rain has its own feel. दोस्तों के साथ मस्ती करने का अपना ही मज़ा है. Having fun with friends has its own feel. Following learn with fun has its own feel. मुझे तो चाय भी बनाना नहीं आता. I don't even know how to make tea. तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता है. You don't even know how to read. तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है. You don't even know how to tell a lie. मुझे तो नाचना भी नहीं आता है. I don't even know how to dance. उसे तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता. He doesn't even know how to speak English. He doesn't even know
हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो। वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। तुमसे बात करना ही बेकार है। इट इज़ यूज़लेस टू टॉक टू यू। इट इज़ यूज़लेस टू टॉक टू यू। तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। इट इज़ यूज़लेस टू से यू एनीथिंग। इट इज़ यूज़लेस टू से यू एनीथिंग। तुम्हें समझाना ही बेकार है। इट इज़ यूज़लेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज़ यूज़लेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है। इट इज़ यूज़लेस टू आस्क यू एनीथिंग। इट इज़ यूज़लेस टू आस्क यू एनीथिंग। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। इट इज़ यूज़लेस टू गो एनीवेयर विथ यू। मम्मी से कहो कि चाय बना दे। आस्क मॉम टू मेक द टी। आस्क मॉम टू मेक द टी। उससे कहो कि मुझसे बात ना करे। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। राम को कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे। आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। भाई को कहो कि मुझे परेशान ना करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। अपने दोस्तों से कहो कि इस चैनल को फॉलो करे। आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो दिस चैनल। आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो दिस चैनल। मैंने तुम्हें दो बार बुलाया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। बट यू डिडेंट रिप्लाई। बट यू डिडेंट रिप्लाई। ज़्यादा हंसो मत। डोंट लाफ टू मच। डोंट लाफ टू मच। तुम्हें हो क्या गया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगी। कम वॉट मे आई विल लर्न इंग्लिश। कम वॉट मे आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। कम वॉट मे आई विल नेवर टॉक टू हिम। कम वॉट मे आई विल नेवर टॉक टू हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कम वॉट मे आई विल नेवर फॉरगिव हर। कम वॉट मे आई विल नेवर फॉरगिव हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम वॉट मे आई विल नॉट डू दिस वर्क। कम वॉट मे आई विल नॉट डू दिस वर्क। वह हंसने लगा। ही बिगैन टू लाफ। वह हंसने लगा। ही बिगैन टू लाफ। तुम क्यों रोने लगे। वाई आर यू बिगैन टू क्राई। वाई आर यू बिगैन टू क्राई। वह खाने लगा। ही बिगैन टू ईट। ही बिगैन टू ईट। वह आने लगे। ही बिगैन टू कम। ही बिगैन टू कम। क्या तुम सोने लगे। आर यू बिगैन टू स्लीप। क्या तुम सोने लगे। आर यू बिगैन टू स्लीप। तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े चालू निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। तुम तो बड़े तेज निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट। यू टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो हिडन जेम। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी।
गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, हेल्दी खाने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, गेट इन टू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? What was the need to go there? What was the need to go there? क्या ज़रूरत थी बोलने की? What was the need to speak? What was the need to speak? क्या ज़रूरत थी उसे कॉल करने की? What was the need to call him up? What was the need to call him up? क्या ज़रूरत थी मम्मी को बुलाने की? What was the need to call mummy? What was the need to call mummy? क्या ज़रूरत थी उसे सब कुछ बताने की? What was the need to tell her everything? What was the need to tell her everything? उसे मेहनत करनी पड़ेगी। He will have to work hard. He will have to work hard. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। He will have to say sorry. He will have to say sorry. उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। He will have to obey me. He will have to obey me. हमें घर जाना पड़ेगा। We will have to go to home. We will have to go to home. सरकार को सड़कें बनवानी पड़ेंगी। The government will have to build the roads. The government will have to build the roads. मेरे पास समय नहीं है। I don't have time. I don't have time. मेरे पास समझाने का समय नहीं है। I don't have time to explain. I don't have time to explain. मेरे पास खाने का समय नहीं है। I don't have time to eat. I don't have time to eat. मेरे पास बैठने का समय नहीं है। I don't have time to sit. I don't have time to sit. मेरे पास बात करने का समय नहीं है। I don't have time to talk. I don't have time to talk. मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there with you. I want to go there with you. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। I want to meet you. I want to meet you. मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। I want to read this book. I want to read this book. मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. I want to speak English. मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। I want to wake up early in the morning. I want to wake up early in the morning. जाओ एक कुर्सी लेकर आओ। Go and get a chair. Go and get a chair. जाओ एक ग्लास पानी लेकर आओ। Go and get a glass of water. Go and get a glass of water. जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। Go and get some food. Go and get some food. जाओ मेरे लिए एक किताब लेकर आओ। Go and get a book for me. Go and get a book for me. जाओ एक आइसक्रीम लेकर आओ। Go and get an ice cream. Go and get an ice cream. खाना है तो खा लो। If you want to eat, then eat. If you want to eat, then eat. बैठना है तो बैठो। If you want to sit, then sit. If you want to sit, then sit. जाना है तो जाओ। If you want to go, then go. If you want to go, then go. बात करनी है तो करो। If you want to talk, then talk. If you want to talk, then talk. बताना है तो बता दो। If you want to tell, then tell. If you want to tell, then tell. मुझे जाना चाहिए। I should go. मुझे जाना चाहिए। I should go. मुझे पढ़ना चाहिए। I should read. मुझे पढ़ना चाहिए। I should read. उसे कमाना चाहिए। He should earn. उसे कमाना चाहिए। He should earn. तुम्हें दौड़ना चाहिए। You should run. तुम्हें दौड़ना चाहिए। You should run. तुम्हें खाना चाहिए। You should eat. तुम्हें खाना चाहिए।
यू शुड ईट. कैसा रहा तुम्हारा एग्ज़ाम? हाउ वॉज़ योर एग्ज़ाम? हाउ वॉज़ योर एग्ज़ाम? कैसी रही तुम्हारी पार्टी? हाउ वॉज़ योर पार्टी? हाउ वॉज़ योर पार्टी? कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? हाउ वॉज़ योर शॉपिंग? हाउ वॉज़ योर शॉपिंग? कैसी रही तुम्हारे दोस्त की शादी? हाउ वॉज़ योर फ्रेंड्स वेडिंग? हाउ वॉज़ योर फ्रेंड्स वेडिंग? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? हाउ वॉज़ योर डे? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? हाउ वॉज़ योर डे? वो तुम्हें बिगाड़ रहा है. ही इज़ स्पॉइलिंग यू. वो तुम्हें बिगाड़ रहा है. ही इज़ स्पॉइलिंग यू. तुम मुझे बिगाड़ रहे हो. यू आर स्पॉइलिंग मी. यू आर स्पॉइलिंग मी. वो बिगड़ता जा रहा है. ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड. ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड. तुम उसे बिगाड़ रहे हो. यू आर स्पॉइलिंग हिम. यू आर स्पॉइलिंग हिम. तुम बिगड़ते जा रहे हो. यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड. तुम बिगड़ते जा रहे हो. यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड. तुम कितने देर से आए हो? यू आर टू लेट. तुम कितने देर से आए हो? यू आर टू लेट. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी. आई विल नेवर टॉक टू यू. आई विल नेवर टॉक टू यू. मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू कम अर्ली. आई विल ट्राई टू कम अर्ली. अगर मैं ना आऊँ तो? वॉट इफ़ आई डोंट कम? वॉट इफ़ आई डोंट कम? समय पर पहुँच जाना. कम ऑन टाइम. समय पर पहुँच जाना. कम ऑन टाइम. तुम बहुत बदतमीज हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी रूड. यू हैव बिकम वेरी रूड. तुम बहुत पतले हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी स्किनी. यू हैव बिकम वेरी स्किनी. तुम बहुत आलसी हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी लेज़ी. यू हैव बिकम वेरी लेज़ी. तुम बहुत होशियार हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट. यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट. तुम बहुत मोटे हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी फैट. यू हैव बिकम वेरी फैट. मैं बोलने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू से. आई वॉज अबाउट टू से. वह रोने ही वाली थी. शी वॉज अबाउट टू क्राई. शी वॉज अबाउट टू क्राई. मैं सोने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू स्लीप. आई वॉज अबाउट टू स्लीप. वह जाने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू गो. ही वॉज अबाउट टू गो. मैं आपको कॉल करने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. यहाँ वहाँ. हियर एंड देयर. यहाँ वहाँ. हियर एंड देयर. बार बार. अगेन एंड अगेन. बार बार. अगेन एंड अगेन. कभी कभार. ऑफ एंड ऑन. कभी कभार. ऑफ एंड ऑन. हमेशा की तरह. एज़ यूज़ुअल. हमेशा की तरह. एज़ यूज़ुअल. अचानक से. सडनली. अचानक से. सडनली. हाल ही में. रिसेंटली. हाल ही में. रिसेंटली. एक बार के लिए. फॉर वंस. एक बार के लिए. फॉर वंस. फौरन या अभी. स्ट्रेट अवे. फौरन या अभी. स्ट्रेट अवे. फिलहाल. फॉर द टाइम बीइंग. फिलहाल. फॉर द टाइम बीइंग. पहली नज़र में. एट फर्स्ट साइट. पहली नज़र में. एट फर्स्ट साइट. पूछने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू आस्क. वॉट गोज़ टू आस्क. बात करने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू टॉक. वॉट गोज़ टू टॉक. देखने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू सी. वॉट गोज़ टू सी. हाँ कहने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू से यस. वॉट गोज़ टू से यस. कोशिश करने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू ट्राई. कोशिश करने में क्या जाता है. वॉट गोज़ टू ट्राई.
आपको बात करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टॉक. यू नीड टू टॉक. आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है. यू नीड टू प्रैक्टिस. यू नीड टू प्रैक्टिस. आपको दवा लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक मेडिसिन. यू नीड टू टेक मेडिसिन. आपको आराम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक रेस्ट. यू नीड टू टेक रेस्ट. आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर. इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर. रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ वीपिंग. इट इज़ नो यूज़ वीपिंग. पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ अर्निंग मनी. इट इज़ नो यूज़ अर्निंग मनी. यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ स्टेइंग हियर. इट इज़ नो यूज़ स्टेइंग हियर. हंसने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ लाफिंग. इट इज़ नो यूज़ लाफिंग. तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो. Why do you tell a lie so much? Why do you tell a lie so much? तुम इतना क्यों सोचते हो. Why do you think so much? Why do you think so much? तुम इतना क्यों बोलते हो. Why do you speak so much? Why do you speak so much? तुम इतना क्यों हंसते हो. Why do you laugh so much? Why do you laugh so much? तुम इतना चाय क्यों पीते हो. Why do you drink tea so much? उसे उकसाओ मत. Don't provoke him. Don't provoke him. वह बहुत गुस्सैल है. He is short-tempered. He is short-tempered. मेरा मूड खराब मत करो. Don't spoil my mood. Don't spoil my mood. अपनी गलती मान लो. Admit your mistake. Admit your mistake. आग बबूला मत हो. Don't be furious. आग बबूला मत हो. Don't be furious.